सर, पंजाब की झांकी को परेड से बाहर कर दी गई है, उसको किस तरीके से? देखो, इससे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा किसी ने योगदान डाला है, या मुगलों के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा कोई लड़ा है तो वो पंजाबी लड़े हैं। और आजकल तो छोटे साहिबजादा और माता जी के दिन भी चल रहे हैं, तो इन दिनों में ऐसा काम करना पंजाब के साथ, तो इससे ज़्यादा मतलब कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। कि अगर आप पंजाब को इतिहास में से निकालना चाहते हो, लेकिन आप निकाल नहीं सकती, क्योंकि पंजाब ने बहुत बड़ा योगदान डाला है और सबको पता है, ऐसे काम करने से आप पंजाब को मिटा नहीं सकते। सर, किस तरीके से देखते हैं, कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पंजाब की जो झांकी को दिल्ली में जो परेड होने वाली थी उसको बाहर कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? पंजाब का पुत्र होने के नाते, पंजाब के हकों का राखा होने के नाते, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो गल्लां कहियां उहदे नाल असीं 100% सहमत हाँ। क्योंकि अगर पंजाब दीआं वस्तां जिवें झोना कह लो, कणक कह लो, पंजाब दे लुधियाणे दे बणे स्वैटर कह लो, होजरी ला लो, साडियां बणियां इंडस्ट्री दीआं चीज़ां वरतण नूं जी करदा, तां साडियां झाकियां पंजाब दीआं क्यों दिखाउण दे विच इहनां नूं बीजेपी वालिआं नूं तकलीफ आ, जिन्नी निंदिआ हो सके थोड़ीआं, ते ताड़ना करदिआं वी किसे वी हालात विच ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। किस तरीके से देखते हैं जो पंजाब की जो झांकी है उसको बाहर कर दिया गया परेड? कितना मदभागा फैसला जोड़ा वा सेंटर गौरमेंट ने लिया वा, जो सिखों की लड़ होती, कुरबानिया की लड़ होती है, तो उदों जोड़ा वा सिखों मूहरे कर देंगे ने, पंजाबियों मूहरे कर देंगे ने, ठीक है। जो लड़ पैंती है बार्डर से उदों पिछे शब्द ला देंगे, देश बाबर मोहे हैं, शुभ कर्मन से कबहू न टरो ना टरो, और स्यों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो, उदों सिख रेजिमेंट अगे कर देंगे ने। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਡ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੇਲਾ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੇ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਗੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ये इतिहास में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दूसरी बार आई है, पहली बार भी इन्होंने कुछ और बोल के, अभी भी कुछ और बोल के, नॉर्म ठीक नहीं है, नॉर्म ठीक नहीं है, तो हम कोई इंग्लैंड गए हुए हैं? हम लोगों से बात करें, जो मुख्यमंत्री साहब ने भी विरोध किया है, बिल्कुल बात ठीक की है, कुछ भी उसमें है तो बोल सकते हैं ना अपन कि ऐसा नहीं ऐसा कर दो। ये इन्होंने बाहर निकाल के ये इन्होंने बहुत ज़्यादा धक्का किया है, और जो कि पंजाब की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये बिल्कुल गलत है, और इनको हमारे से जो भी देख रहे हो कि ये बीजेपी की सब सरकारों के आ रहे हैं, हमारी यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की गतिशील में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है।